चाहते हैं क्या कि देखें यहाँ में जमने हो या नहीं, लेकिन ये कभी हैं, ये हर परिस्थिति में जमते हैं। आप तो कम से कम यहाँ लोग बैठे हैं, हम तो पशु मेले में भी कराते हैं। इससे बढ़िया आज और नहीं हो सकता यहाँ आप लोग। और एक बात का मतलब तो मैं है ही नहीं कि यहाँ श्रोता रात के 12 बजे तक भी कम नहीं होंगे। वो ताली बजाए कविता सुने ना सुने, भीड़ रही है, श्रोता तो रात के 1 बजे तक भी कम नहीं होंगे। ये दर हमें है ही नहीं। और हमारा कार्यक्रम हिट, क्योंकि फोटो में केवल हम ये डालेंगे, श्रोता भरपूर है और भरपूर है और कविता पढ़ रहे हैं, तो फोटो लेंगे, वीडियो मत लेना। और मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा बात कराता अच्छा लगता है, छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है, यौवन खाता और कमाता अच्छा लगता है। यूं चेहरे पर चाहे जितने रंग आए जाए, लेकिन हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है। हर चेहरा मुस्काता अच्छा लगता है। बाबा जी बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे थे और बाबा जी ही मुस्कुरा सकते हैं आज। ये पत्नी की बात कर रहे थे अभी, क्योंकि बाबा जी ही हंस सकते हैं। अब इस देश में बाबा जी हंस रहे हैं और रोगी बाबा जी रहे हैं, रोगी बाबा जी रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आदमी 4 पंक्तियां पहले मैं इस काम के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, मैं भी अपना दायित्व समझता हूं कि पेड़ पौधे काट काट, पेड़ पौधे काट काट हरियाली को चाट चाट, इस महासागर को कैसे तर पाओगे, इस महासागर को कैसे तर पाओगे। आंखों से उगलते आग, आंखों से उगलते आग, लंबे लंबे काले दांत, लंबे लंबे दांत देख देख डर जाओगे। खिजाओं के आते आप झल जाते जैसे पर अपनी ही शाखाओं से ऐसे झर जाओगे। हवा और पानी गर दूषित ही होता रहा, मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे, मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे, मेरे मन मीत बिन मौत मर जाओगे। दौड़ 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 बस मैं बधाई देना चाहता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट को, भाई की सदी को, इनकी पूरी टीम को, पूरे अधिकारियों को, कि कम से कम आपने, वैसे तो आप हर वक्त भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीड़ की मैं बात बता देना चाहता हूँ, भीड़ ही है केवल। अभी बहन जी कह रही थी भीड़ है केवल, अपना कोई नहीं होता, और आपके यहाँ तो अपना कोई है नहीं। आता है चल देता है, आता है चल देता है, आता है चल देता है। तब कहना चाहता हूँ कि दौड़ 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 बस दौड़ की लगी है होड़, दौड़ 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 बस दौड़ की लगी है होड़, दौड़ दौड़ के भी ठीक दौड़ नहीं पाए हम, जिसे नहीं छोड़ना था उसे छोड़वाए कहीं, जिसे छोड़ना था उसे छोड़ नहीं पाए हम। औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, अपने ही आप को झंझोड़ नहीं पाए हम, औरों के जगाने में ही जिंदगी गुजार बैठे, अपने ही आप को झंझोड़ नहीं पाए हम। पुल और सड़कें तो सैकड़ों बना ली, पर आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम, आदमी को आदमी से जोड़ नहीं पाए हम।
कि मेरे शादी करवा दी, अब मेरे से रोज आके एक से एक कहता शिकायत करते शादी जी कैसी पत्नी मिलवाई है, घर का क्या बात हो गई। तो एक एक सवाल से मैं आज तक पार नहीं पाया, एक सवाल रोज करती है। और ये मिश्रा जी नहीं, आप भी उस सवाल से बड़े परेशान है। एक सवाल पत्नी का इतना परेशान करता है, पूरी जीवन सारे पतियों को परेशान करता है केवल एक सवाल। क्या सवाल है? क्या बनाऊ, क्या बनाऊ, बस ये सवाल। शाम को रोज जाके आपको ये जवाब देना पड़ता है, क्या बनाऊ। मुझसे कहते हैं क्या बनाऊ, मैंने कहा बना ले मटर पनीर। क्या लगा ये पनीर तो असली आता नहीं, पाउडर का आता है। मैंने कहा आलू गोभी बना ले, बोली बाए हैं। मैंने कहा दाल बना ले, बोले बच्चे खाते नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या बनाएंगे, बोला जो आप कुछ कहोगे। ये पत्नी से बात करना बहुत मुश्किल है। तब कहना चाहता हूँ दिन यूं ही गुजर गए, हम हो गए सत्तर के। गोलू के बैल हुए घर के और दफ्तर के, गोलू के बैल हुए घर के और दफ्तर के। पत्थर के शहरों की फितरत ही ऐसी है, पत्थर के शहरों की ऐसी है। पत्थर के शहरों में दिल हो गए पत्थर के, पत्थर के शहरों में दिल हो गए पत्थर के। और बात कहना चाहता हूँ कि आती जाती हवाओं से हालचाल पूछता हूँ, आती जाती हवाओं से हालचाल पूछता हूँ अपने जमी आसमान लिखता हूँ मैं। सीमा के प्रहरियों का जिक्र अच्छा लगता है, कृषकों के खेत खलिहान लिखता हूँ मैं। भीड़ वाले चौराहों पे खूब लिखा करता हूँ, कभी कभी गलियां वीरान लिखता हूँ मैं। आम आदमी का दर्द दिल को कचोटता है, आम आदमी की दास्तान लिखता हूँ मैं। दास्तान लिखता हूँ मैं, कुछ हो गए हुए सच का, कभी हम कहीं से अपना मन हमारा कुछ नहीं है। हम समाज से उठाते हैं, समाज में जो देखते हैं केवल शब्दों की माला बना करके और समाज के गले में डाल देते हैं, और हम कुछ करते नहीं। कच्चा माल समाज से लेते हैं, पक्का माल डाल देते हैं। तब कहना चाहता हूँ कुछ होगे हुए सच का एहसास सुनाता हूँ, कुछ होगे हुए सच का एहसास सुनाता हूँ। आने वाले कल का आभास सुनाता हूँ, 25-30 साल पहले आने वाले कल का आभास कभी पहले लिख देता है। ये सोच हमारे तुलसीदास बाबा 500 साल पहले जो लिखे आज लग रहा है। 40 साल पहले मैंने वो जो शुरू में बंद सुनाया था, मैंने कहा परेशान हो जाओगे अगर आप पानी दूषित ही होता रहा तो परेशान हो जाओगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। 40 साल पहले तो मैंने लिख दिया था, आज आपको बैनर लगा कर सेवा कर लिखनी पड़ेगी। ये कवि है, कवि आने वाले कल का आज लिखता है। कुछ होए कुछ होगे हुए सच का आभास सुनाता हूँ, आने वाले कल का आभास सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं संजीदा शायर हूँ, कुछ लोग कहते हैं संजीदा शायर हूँ, कुछ लोग कहते हैं बकवास सुनाता हूँ। कुछ लोगों को बकवास भी लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ झंझावातों में कभी कहना भूल गए हम, तूफानी झंझावातों में कश्ती खेलना भूल गए। इज्जत इज्जत खाकर घर का चना चलना भूल गए, तूफानी झंझावातों में कश्ती खेलना भूल गए। इज्जत इज्जत खाकर घर का चना चलना भूल गए। हरियाली खेती रिश्तों की दिन दिन सूखी जाती है, शायद हम रिश्तों की जड़ में पानी देना भूल गए। क्या बात है, क्या बात है।
बाद में इस पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। बस जाने की चकाचौंध में मिलना जुलना भूल गए, अभिमन्यु से चक्रव्यूह में फंसे निकलना भूल गए, और आखिरी बात की तब से आपके हृदय तक पहुंची। आज कहना चाहता हूँ मंगल तक हम मंगल पे पानी खोज रहे हैं, मंगल पे पानी हम खोज रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कितना मंगल है ये हमें पता नहीं। मंगल पे पानी खोज रहे हैं, बस चांदी की चकाचौंध, हेलो, बस चांदी की चकाचौंध में, बस चांदी की चकाचौंध में मिलना जुलना भूल गए, अभिमन्यु से चक्रव्यूह में फंसे निकलना भूल गए, ऊपर उठने की चाहत में, ऊपर उठने की चाहत में गिरे संभलना भूल गए, यूं तो गए चांद तक लेकिन जमीन पे चलना भूल गए। हम जमीन पे चलना भूल गए, जमीन पे चलना क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, इसलिए भूल गए कि न अल्लड़ सी न हंसता खेलता बचपन, न हंसता खेलता बचपन, न अल्लड़ सी जवानी है, न हंसता खेलता बचपन, न अल्लड़ सी जवानी है, न हंसता खेलता बचपन, न अल्लड़ सी जवानी है, परिवार भी क्या है, न दादी है न नानी है, परिवार क्या है वहाँ, न दादी है न, थोड़े से दिन में बच्चे भूल जाएंगे दादी क्या हुआ करती थी, नानी तो फिर भी देर तक रह जाएगी, लेकिन दादी चाची ताई बुआ ये सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बच्चे पूछेंगे किताबों में, न हंसता खेलता बचपन, न अल्लड़ सी जवानी है, परिवार भी क्या है, न दादी है न नानी है, परिवार भी क्या है, न दादी है न नानी है, हजारों पुल बना डाले मगर किस काम के बोलो, हजारों पुल बना डाले मगर किस काम के बोलो, न पानी है न नदियों में पानी। हम तो पुल बना रहे हैं, आगे देखिएगा अभी बरसात है, अभी तो पानी दिखाई दे रहा है, आगे जाके देखिएगा नदियों में 2 महीने बाद पानी नहीं है, पुल बना करके क्या कर रहे हैं, पानी नहीं बचाया जा रहा, और वहाँ तो है भी, हमारी आंखों का पानी सूख गया है, आंखों में पानी नहीं है, न नदियों में ही पानी है, न आंखों में ही पानी है, और सबसे जो बढ़िया चीज थी हमारे पास, केवल हमने चेहरों की हंसी चेहरों की मुस्कान को दी, हमने बहुत कुछ कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन चेहरों की मुस्कान अपने अपनी मुस्कान को दी, बहुत महंगी बहुत बढ़िया चीज थी चेहरों की मुस्कान, हंसना इस तरह से बात को अगर ये जमाना सीख ले, गैर से भी गैर को अपना बनाना सीख ले, अगर समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा जरूर, शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीखना। क्या बात है, मुस्कान है ही नहीं, चेहरों का मुस्कान नहीं है, आदमी को गुदगुदी कीजिएगा रोने लगेगा, हंसेगा नहीं, ये है बात चेहरों की मुस्कान, लेकिन यदि मुस्कान चेहरों पर होती है तो आधे काम तो वैसे ही हो जाते हैं। हमारे साहब बहुत बढ़िया हंस रहे हैं, बधाई के नाम की ताली बजा दो कम से कम, बस एक ही बात है इनके हंसने का राज, मैं तो एक ही बात कारण समझता हूँ कि बीवी अच्छी मिल गई, ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए ताली बजा दीजिएगा, इतना नहीं तो कौन हंसता है, और हमारे अधिकारी वर्ग तो हंसता ही नहीं, टेंशन में रहते हैं, तनाव पाल लिए, तनाव अभाव में भाव का, तनाव अभाव में भाव का, तनाव अपनों द्वारा दिए हुए भाव का, तनाव रोटी कपड़ा और मकान का, तनाव खोती हुई पहचान का, तनाव बाप से बेटे का भाई से भाई का, तनाव बढ़ती हुई महंगाई का, तनाव बीबी की साड़ी का, तनाव फिर तनाव बीबी की साड़ी का, तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, शहर में 50-60% से ज्यादा झगड़े पड़ोसी की गाड़ी से होते हैं, तुम्हें यहाँ खड़ी क्यों कर दी,
और भी एक तरह से झगड़ा है। शाम को खाना परोसते समय, खाना देते समय सेठ में थाली रखती है, कान में कह देती है पड़ोस में बड़ी गाड़ी आ गई। मैंने कहा क्या करूं, खाना खाने देगी या नहीं, ये तनाव है भाई साहब, टेंशन है पाई है हमने तनाव बीवी की शादी का। मैं तो जाया था बाजार में, अभी पिछले हफ्ते बाजार में जाया था, पत्नी साथ में थी, मैंने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ रखा था, कस के पकड़ रखा था। एक सामने से आया बच्चा इसकी तरह का, अंकल जी, मैंने कहा हाँ और क्या कहना चाहता है। अंकल जी किस उम्र में थी, किस उम्र में थी, मैंने कहा क्यों भे तुझे क्या दिक्कत है, मेरी अपनी है, वैसे थोड़ा ही पकड़ रखी अपनी है। बोला नहीं मैं तो ये कह रहा था इस उम्र में इतना प्यार। मैंने कहा चल तू आगे रास्ता दे, प्यार व्यार नहीं बाजार है, अभी कहीं आगे साड़ी की कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है तो भाग के उसमें घुस जाएगी, मैं तो इसीलिए पकड़ रहा हूँ। टेंशन टेंशन दूर करना अपने हाथ में भी है, टेंशन पालना अपने हाथ में है। टेंशन तो कैसे ही पाल लो, टेंशन आने में कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड में आती है। आप जा रहे हैं बाजार में, कोई सामने से आए और आपको नमस्ते करके निकल गए अनजान आदमी, शाम तक की तो टेंशन होगी सारा था कौन कैसे नमस्ते कर गया। और कहीं कोई सामने से आए और बीवी साथ में हो और कह रहे भाभी जी क्या हाल है, मुस्कुरा के कह रहे भाभी जी क्या हाल है, बस हो गई टेंशन। अब मैं तो रोज पूछता हूँ कौन था बता दो सही, तो टेंशन आने में देख लेकर कितना कहना चाहता हूँ। तनाव बीवी की साड़ी का, तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, तनाव घटते सम्मान का, तनाव बढ़ते आतंकवाद का। एक तनाव ये है, ये तनाव की जड़ है, आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा तनाव ये होगा। तब कहना चाहता हूँ कि जानने को जानते के बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, बहुत बारीक मुझे कैसे कहते सुन के याद आते रहते, एक बात बारीक बात कह रहा हूँ, अगर अच्छी लगी हो, पहली बार कह रहा हूँ भाई नियम मांगना चाह रहा था इस बात को बहुत दिन से कि हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो, कहाँ क्या क्या करते हैं। देखिएगा जानने को जानते हैं, जानने को जान लेना सारी दुनिया को, जानने को जान लेना सारी दुनिया को चाहे, जानने में खुद को जमाने लग जाते हैं। जानने को जान लेना सारी दुनिया को चाहे, जानने को खुद को जमाने लग जाते हैं, जानने में खुद को जमाने लग जाते हैं, खुद की समझ में ना आई चाहे एक बात, सारी दुनिया को समझाने लग जाते हैं, खुद की समझ में आई चाहे एक बार, सारी दुनिया को समझाने लग जाते हैं। देश सेवा करने का व्रत लेके आते हैं जो, देश सेवा करने का व्रत लेके आते हैं जो, देश को ही नोच नोच खाने लग जाते हैं। मरता हो कोई चाहे लाज लुटती हो कहीं, मरता हो कोई चाहे लाज लुटती हो कहीं, हम लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, हम लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। यहाँ से सहायता मिलनी चाहिए, वहाँ हम वीडियो बना के अपना कर्तव्य पालन कर लेते हैं। तब कहना चाहता हूँ कि तनाव बीवी की साड़ी का, तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, तनाव बढ़ते आतंकवाद का, तनाव बढ़ते संवाद का, ये तनाव वो है जो जीवन की गाड़ी को पटरी से उतार देता है, और तनाव मेरे दोस्त आदमी को जीते जी मार देता है, तनाव आदमी को जीते जी मार देता है। इसलिए मेरी इतना है कि तनाव से बचते बचाते रहिए।